मुझे संजू सैमसन की मैंने दो देखी, मुझे बहुत मजा आया। आई थिंक इज डूइंग वंडर्स। मेहरबानो कदरदानो, क्या मैच हुआ है, मैंने जिंदगी में नहीं देखे रिकॉर्ड साज यहाँ परफॉर्मेंस कर दी है। कभी कुर्सी से मैं उछलता था, कभी बैठ जाता था, और मेला एक दफा फिर लूटा वो संजू सैमसन ने, अपनी क्वालिटी दिखाई। रोहित शर्मा के बाद सबसे सुथरा छक्का, आसानी से छक्का लगाने वाले ये दूसरे बल्लेबाज है। टेस्ट प्लेइंग नेशन का हाईएस्ट एवर टोटल, हाईएस्ट एवर, इतनी मार 300 रन तो हमारे वाले 50 ओवर में बड़ी मुश्किल से करते हैं। मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूँ कि T20 क्रिकेट में कभी 297 का फिगर सुना है? कभी मारते है किसी को नहीं देखा, सारा आज भाग भी गया है। तो बजाया किसने है? तो बजाया के पापा यानी इंडिया ने है। ये बहुत नाइंसाफी है ठाकुर। कितने आदमी थे ठाकुर संजू सैमसन था? कितने आदमी थे संजू सैमसन था? कितने आदमी थे संजू सैमसन? भाई साहब ऐसे ऐसे कौन मारता है, मतलब बुरा हाल, ऐसे भगा भगा के धो के धोबी पचाड़ कसाईयों वाली इनिंग्स खेल के गए। मतलब एक ओवर में 5 बैक टू बैक रिशाद हुसैन को छक्के पड़ रहे। संजू सैमसन तो एक अलग ही आत्मा के साथ बाहर निकल के आ गया। संजू सैमसन एक रिन्यूड विल के साथ जो है मैदान में उतरे हैं, फिजिकली फिट दिख रहे हैं, और फिर इनकी सोच जो है अब यही है कि मैंने सुपरस्टार बनना है। और उनके पास ऐसी परफॉर्मेंस के बाद मौके बहुत ज्यादा बढ़ जाने चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये मैच बना। शुक्र मनाओगे बस नहीं पाकिस्तान की, ना कोई टेस्ट की, ना कोई वनडे, ना T20, कोई इनकी सीरीज नहीं हो रही, वरना ये कुटकुटापा प्रोग्राम इतना लगना था कि बस याद रखते ही। 111 रन संजू सैमसन, घंटे के किंग के 300 इंटरनेशनल क्रिकेट में। उस घंटे के किंग का मुझे नेक भी ऐसा 100 निकाल दो जिसमें 236 का स्ट्राइक रेट हो। 22 सिक्सेस, 25 फोर्स, ये अनरियल। नहीं, ये क्रिकेट है? ये कौन सी क्रिकेट है? ये कोई टीम है? चिप डाल देते हैं बांग्लादेश को जी। नहीं, चिप डाल देते हैं। तोबा, मतलब इतना मारा है, भगा के मारा है कि दुम्बा बना। लूट तो भाई बहुत ही खून खराबा कर दिया भाई हैदराबाद के मैदान में। टेस्ट प्लेइंग नेशन का हाईएस्ट एवर टोटल, हाईएस्ट एवर, इतनी मार 300 रन T20 के खेल में। 300 रन तो हमारे वाले 50 ओवर में बड़ी मुश्किल से करते हैं। 300 रन इन अ T20 गेम, बांग्लादेश को इतनी मार कि बस पूछे मत। संजू सैमसन 40 गेंदों पे इंडिया का सेकंड फास्टेस्ट, अनबिलीवेबल। सिर्फ 3 रन से ये चुके हैं, वरना 300 के पार हो जाता, और टेस्ट प्लेइंग नेशन का इससे बड़ा टोटल आज तक बना नहीं किसी भी T20 इंटरनेशनल मैच में, किसी एक में भी इतना नहीं बना। क्या 5 छक्के मारे संजू सैमसन ने, 5 मुसलसल गेंदों पे 5 छक्के। वो पहला गेंद कहीं ना कहीं मिस हो गया, वरना उस पे भी छक्का लगता तो 6 छक्के वो दवे सूर्य कुमार यादव, और एंड पे वो पराग और वो पांड्या। भाई किस किस से जान छूटेगी तुम्हारी, किस किस से जान तुम्हारी छूटेगी, किसी एक से भी नहीं। चलो 2-4 आउट भी कर लोगे तो कौन कौन, हर कोई 160-170-180 के स्ट्राइकर से तो खेलता है। ऐसे लग रहा था वीडियो गेम में चौके लग रहे, वीडियो गेम में छक्के लग रहे हैं। 6-7 ओवरों में 100, 10 ओवरों में 150, अगले 10 ओवरों में 300। तो ये वीडियो गेम पे मैच चल रहा है या ये मैदान में मैच चल रहा है? टेस्ट प्लेइंग नेशन का, किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ ये सबसे बड़ा टोटल है। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान तीसरे T20 मैच के अंदर इंडियन टीम ने पहले बैटिंग की और बैटिंग करते हुए रन्स काम बाढ़ लगा दिया। अब तक का T20 हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल, 297 रन का पहाड़ जितना टोटल तैयार किया इंडिया टीम ने, जो कि एक तरफा 99% इंडिया टीम विक्ट्री ले चुका है 297 स्कोर बनाने के लिए। संजू सैमसन की शानदार सेंचुरी, संजू सैमसन इंडियन टीम के वाइस खिलाड़ी बन चुके हैं कि जिन्होंने रोहित शर्मा के बाद दूसरे नंबर पर 23 सेंचुरी स्कोर की सिर्फ 40 बॉल्स के अंदर। T20 फॉर्मेट के अंदर सेंचुरी स्कोर करना बहुत बड़ी बात है, अगर 3-4 बॉल कम होती तो ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता था। सेंचुरी बनाने के लिए संजू सैमसन ने 11 छक्के और 8 चौके लगाए, इनका खूब साथ ही सूर्य कुमार यादव ने, सूर्य कुमार यादव के 75 रन। इसी के साथ सूर्य कुमार यादव वो वाइस प्लेयर बन चुके हैं कि जिन्होंने 2500 रन कंप्लीट किए T20 फॉर्मेट के अंदर। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि इंडिया का ये यंग टैलेंट इंडिया को पहले से बहुत आगे ले जाएगा। संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव की बैटिंग के बाद हार्दिक पांड्या ने टीम को संभाला, हार्दिक पांड्या के 47 रन और दीगर खिलाड़ियों को, दिनेश परांग की बैटिंग, दीगर खिलाड़ियों को 25 स्कोर मिलते मिलते टीम का टोटल पहाड़ जितना हो गया, जिसके बाद इंडियन टीम ने एक तरफा विक्ट्री अपने हाथ में कर ली। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टेस्ट फॉर्मेट के अंदर भी 300 टारगेट नहीं बन रहा, जबकि इंडियन टीम ने T20 फॉर्मेट के अंदर फास्टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपने नए लड़के, टीम में कोई भी पुराना बड़ा नाम नहीं था, नए लड़कों के साथ, यंग टैलेंट के साथ इतना बड़ा स्कोर कर दिया, जो कि पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत बड़ा सबक है। शुभ अख्तर कहना है कि आज का मैच, इंडियन टीम का मैच देख के लग रहा था कि इंडियन टीम पुराने रूप में वापस आ गई है, और अगर
चैंपियन ट्रॉफी T20 फॉर्मेट पे होगी तो यकीन माने कि ये इंडिया का यंग स्क्वाड चैंपियन ट्रॉफी के अंदर तबाही मचा दे। इससे बड़ा टोटल आज तक बना नहीं, अनबिलीवेबल। क्या कुटाई की है संजू सैमसन ने, उस बंदे में इतना दम है, इतना टैलेंट है वो। तो देखें अभी उस कॉन्फिडेंस के साथ खेला है, आज कैसी उसने हिटिंग किया। सूर्या कुमार यादव भी दुनिया का बेहतरीन हिटर है, लेकिन एट टाइम्स आज उसने उसको भी पीछे छोड़ा जिस तरीके से उसने हिटिंग की है कि नहीं, ऐसी लाजवाब हिटिंग। और पाकिस्तान ऐसी पिच बनाए तो तुम्हारे फिर भी नहीं खेल सकते, वो तो 6 ओवरों में 40-50-55 बहुत हाथ मारी तो ये उनका टोटल होता है। ये भाईजान ऐसा लग रहा है कोई वीडियो गेम में मैच चल रहा है, एब्सोल्युटली ऐसा ही कि वीडियो गेम में मैच चल रहा है, ये रियलिटी में तो हो ही नहीं रहा। रियलिटी में कैसा कि एक ओवर में 5-5 छक्के लग रहे हैं, हर बॉलर की इतनी कुटी 22 छक्के जी, ओवर 20 है छक्के 22 है। शुक्र मनाओ के बस जी पाकिस्तान की ना कोई टेस्ट की ना कोई वनडे ना T20 कोई इनकी सीरीज नहीं हो रही, वरना ये कुट कुटापा प्रोग्राम इतना लगना था कि बस याद रखते ही। हैट्स ऑफ टू संजू सैमसन और सूर्या कुमार यादव, ये ऐसी टीम। अब वो कैप्टन है सूर्या कुमार यादव, 50 में भी जाके जफ्फी डाली है उसको संजू सैमसन को, फिर उसको 100 पे भी जाके जफ्फी डाली है बिकॉज ही डेस्परेटली वांट टू, से पता कि इस बंदे में इतना टैलेंट है, फिर क्या स्माइल दिया है, वाह यार यू हैव डन इट, यू हैव ऑल द पोटेंशियल इन द वर्ल्ड एंड यू विल डू वंडर्स एंड दिस गाय विल डू द वंडर्स, आई एम टेलिंग यू, ही इज टू गुड, ही इज अमेजिंग। और ये बीच में कंसिस्टेंट चार्ज देने की बात है और ऐसी हिटिंग ये अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। 297 मतलब T20 क्रिकेट में 297 सुना है कभी, इमेजिन किया कभी? मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं कि T20 क्रिकेट में कभी 297 का फिगर सुना है? कभी मारते है किसी को नहीं देखा, सारा आज बच भी गया है तो बजाया किसने है? बजाया के पापा यानी इंडिया ने है, बजाया किसको है? बांग्लादेश को, उस बांग्लादेश को जो आपके घर में आके आपको 2-0 टेस्ट क्रिकेट में मार के गई हुई है, उस बांग्लादेश को जिसने आपसे पहला टेस्ट मैच 10 विकेट से जीता था, पकड़ कर मुझे हो दिया 297। मेरा सर फट रहा है, T20 क्रिकेट में 297 टीम इंडिया ने आज मार दिया है, विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा, विदाउट कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, यंग टीम इंडिया ने 297 पकड़ के मारा बांग्लादेश को। इसे कहते हैं प्रॉपर T20 क्रिकेट, इसे कहते हैं टिपिकल T20 क्रिकेट। और हमारे कंट्रियों के 120 नहीं चेज होता T20 में, हमसे इंडिया के आगे 120 नहीं चेज होता वर्ल्ड कप में, हमसे जिम्बाब्वे के आगे 130 नहीं चेज होता वर्ल्ड कप में, और हम बॉब्जी भी किंग, रिजवान, बुल्लर, लिपस्टिक मौलवी को ले गए जी, T20 का ब्रेडमैन है जी रिजवान, मेरा छनकना ब्रेडमैन है। और भाई इंडिया की क्रिकेट देखो 297, मेरा सर घूम रहा है, मेरा ना सर घूम रहा है पकड़ के, ये क्या हो गया, और ये किस तरह की क्रिकेट है, इतनी तबाही वाली क्रिकेट, शेम ऑन यू, जस्ट शेम ऑन यू। देखो टीम इंडिया को संजू सैमसन 111 रन निकले, तेरे बाप संजू सैमसन ने 111 रन मारे हैं, कभी तेरे घंटे गए किंग जिम्बू निपालू कोटू चमकीले रिजवान ने कभी इस तरह के मारे हैं? वो तेरा जिम्बू और चमकीला रिजवान कभी इस तरह खेला है मुझे बता ना, वो चमकीलू इस तरह कभी खेला है? 297 T20 क्रिकेट में होता है मुझे बता दो ना, आप तो वनडे में भी नहीं करते, शेम ऑन यू यार। और उनका यंग टैलेंट देख रहे यार, बतवाई खेल रहा है, उनका कप्तान देखो, वो अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देखा, क्या किया आज इंडिया ने, वहां 111 रन संजू सैमसन, लड़के ने बता दिया कि भाई अब रखो मुझे, 8 छक्के 11 चौके 236 का स्ट्राइक रेट जो है वो संजू सैमसन, घंटे के किंग के 300 इंटरनेशनल क्रिकेट में, उस घंटे के